नमस्कार दोस्तों और मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को ताकि नए नए वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। दोस्तों, जिस तरह हम गंभीरता से अपने दांतों की सफाई करते हैं उसी तरह हमें जीभ की सफाई भी करनी चाहिए। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपकी जीभ पर सफेद मोटी परत जम गई है। यह आपकी पर्सनैलिटी खराब करने के साथ ही मुंह में बदबू, दांतों में खराबी, सांसों में बदबू, पाचन क्रिया खराब होने के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन का कारण भी बनती है, जिसके चलते आपकी इमेज पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि आपको मालूम हो कि जीभ की सफाई किस तरह से की जानी चाहिए, क्योंकि जीभ पर कई तरह के बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। जीभ को साफ करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको इसका सही तरह से पता हो। आज हम आपको जीभ की सफाई करने कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप अपनी जीभ को आसानी से साफ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों वो आसान उपाय कौन कौन से हैं। दोस्तों, नमक जीभ की सफाई के लिए एक प्राकृतिक स्क्रब है। अपनी जीभ पर थोड़ा सा सफेद नमक छिड़कें और फिर साफ टूथब्रश से स्क्रब करें। ध्यान रखें कि टूथब्रश मुलायम होना चाहिए। कड़े रेशों से जीभ में दर्द और छाले हो सकते हैं। इस विधि से एक हफ्ते में जीभ से सफेद परत गायब हो जाएगी। दोस्तों, नारियल के तेल से भी आप अपनी जीभ पर जमी सफेद मोटी परत को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक गुणों वाले नारियल के तेल में से दिन में 2 बार कुल्ला करें। नारियल तेल का रोजाना इस्तेमाल करने से जीभ से सभी बैक्टीरिया की सफाई होता है और आपको एक साफ और गुलाबी जीभ मिलती है। टूथब्रश जीभ की सफाई के लिए आसान घरेलू उपाय है। कुछ टूथब्रश 2 दशक साथ आते हैं, आगे के हिस्से से दांतों की सफाई और पीछे के हिस्से से जीभ की सफाई। हर बार ब्रश कर लेने के बाद टूथब्रश के पीछे के हिस्से को हल्के दबाव के साथ जीभ पर रगड़ें। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इस प्रक्रिया को करना चाहिए। ध्यान रहे, कम दबाव के साथ ऐसा करें अन्यथा जीभ छिड़ सकती है। हल्दी एक ऐसा मसाला है जिससे जीभ की सफेद परत का इलाज किया जा सकता है। इसके लिए हल्दी पाउडर में थोड़ा सा नींबू का रस मिला लें। इस पेस्ट को जीभ पर मलें, उंगली जैसी मसाज करें। कुछ देर मसाज करने के बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। इस विधि से जीभ की सफेद परत काफी जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो लेकिन जीभ की सफाई के लिए लहसुन भी बहुत अच्छा उपाय है। इसे इस्तेमाल करने के लिए 2 से 3 कच्चे लहसुन को अच्छी तरह से चबाकर खाने से जीभ पर जमी सफेद परत से छुटकारा मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण आपके मुंह के बदबू और इन्फेक्शन से आपको बचाएंगे। तो दोस्तों, ये थे आसान से उपाय जिनसे आप जीभ पर जमी मोटी सफेद परत को हटा सकते हैं। तो आप भी इन नुस्खों को अपनाएं और अपनी जीभ को बिल्कुल गुलाबी कर लें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल रेमेडी अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।